हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रितिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा। तो ये जो ब्लॉग है, ये एक्चुअली मेरा वैसे फ़र्स्ट ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हरिद्वार में इस मंदिर में ये मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग है। तो बहुत अच्छा ब्लॉग है और ये है हरिद्वार की फेमस मंदिर है तुलसी मानस मंदिर, जिसे राम मंदिर भी कहते हैं। एक्चुअली तुलसी मानस मंदिर है तो राम मंदिर ही है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। तो इस मंदिर में मुझे मतलब गए वैसे 15-20 दिन हो गए, अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ। मैं वॉइस ओवर करके बाद में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टाइम नहीं मिला था। बहुत ही अच्छी मंदिर है, बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून, और मतलब भगवान का स्थान है तो फिर ऑटोमेटिक आपको पता ही है कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ। तो ये मंदिर ऐसे मंदिर है ना कि यहाँ की दीवारें भी रामचरितमानस बोलती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की दीवारों पर पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है और यहाँ पर अभी रामचरितमानस हो भी रहा था। तो चलिए अभी मैं आपको सुनाती हूँ, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ हैं भगवान की, तो सबसे पहले गणेश भगवान से स्टार्ट करते हैं। तो देखा आपने कितनी बड़ी मंदिर है, और लोग यहाँ पर आके बैठते भी हैं सुकून से। थोड़ा सा इसके अंदर मंदिर में ठंडक भी बहुत है। और ये देखिए कान्हा का भी ये पहला व्लॉग है यहाँ पर आज मंदिर में, तो वो भी मस्ती कर रहे हैं। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी मंदिर अंदर से लेके बाहर तक पूरी मंदिर में रामचरितमानस लिखा हुआ है। एक एक वर्ड इतने साफ साफ से लिखे हुए हैं, इतनी सुंदरता के साथ यहाँ पे मतलब लिखने वालों की भी मतलब बाबा ही है कि हाँ, गजब से पत्थर पे लिखकर यहाँ पे पूरी मंदिर के चारों तरफ से अंदर बाहर मिलाकर पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है। तो अभी हम लोग ये आ गए हैं, बाहर का पोर्शन है, नहीं साइड का है ये, हाँ ये साइड का पोर्शन है। अब ये बाहर का पोर्शन, यहाँ पर ऐसे छोटी सी झांकी ऐसे बनी हुई थी, यहाँ पर कुछ हमने फ़ोटो भी क्लिक की हुई थी और बहुत साफ़ सफाई थी। और मंदिर के बाहर हम लोग निकलने वाले हैं, और मंदिर के बाहर में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये मतलब मंदिर के बाहर दर्शन करके निकलने पे बाहर ही है, गेट के अंदर में ही है, तो यहाँ पर भी मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा रहे हैं, सावन का महीना तो चल ही रहा है तो सावन में शिव जी को जल तो चढ़ाना बनता ही है। उसके बाद वहाँ से निकल कर यहाँ पर हम लोग दूसरे मंदिर में आ गए थे। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी मंदिर शीशों से बनी हुई है। एक्चुअली ये मंदिर कहने का मतलब शीश महल, अभी आपको दिखाऊंगी कितनी सुंदरता से यहाँ पर शीशे से सभी देवी देवताओं की, और कहने मतलब पूरे विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं यहाँ पर, पूरे विष्णु भगवान के हर एक अवतार, 11 अवतार हैं, सब अवतार हैं, माता जी हैं, सब मतलब यहाँ पे एक कहानी की तरह लिखी हुई है शीशे पे, आप खुद देख सकते हैं कितनी सुंदरता के साथ में। तो ये मेरा पहला ब्लॉग आपको कैसा लगा? मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये यहाँ की मंदिर का और तुलसी मानस मंदिर का। अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं आपको दिखाऊंगी ये मंदिर शिवानंद धाम, ये मंदिर बहुत अच्छी है, तो कल मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।